Like I would like to give this speech in Hindi, so it will be easier for others to understand if someone is recording it. So first of all, I would like to congratulate all the Hindi में ना सबसे पहले हम वही बोलेगा कि हमको motivational speaker बोला है तो हम कुछ motivational चीज़ ही बता देगा क्योंकि तो अपना life के related ही कुछ बता देंगे ताकि motivated रहे. सबसे पहले मम्मी पापा अने अबू आओ किधर बुरोगुरु में फिर जूनियर्स किधर तक हम स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द टॉपर्स ऑफ क्लास 5 क्लास 8 क्लास 10 एंड क्लास 12. सबसे पहले सब लोग सोच रहा होगा हम ये क्यों लेके आए ना. इसका एक रीज़न है, इसमें हमको असिन तैंग डॉक्टर असिन तैंग स्पेशल गेस्ट बोल के लिखा है तो ये एक प्रूफ है. तो इसका रीज़न हम ये बताएगा कि क्या हुआ है कि जब हम भी एक जैन प्रोडक्ट है जैन भी इसका पासीघाट का क्लास 2005 से 2010 में जेएनबी पासीघाट में पढ़ाई किया है. फिर हमने क्लास 11 12 जेएनबी एक्चुअली से पढ़ाई किया. तो रीज़न है इसमें स्पेशल गेस्ट अस्तिन तैंग के नाम से दिया गया है. जब मैं जेएनबी पासीघाट में था एक सर थे डीसी सर थे वो मान्य आते थे उस समय वो डीसी थे और एक बार हमें बताया था ये चीज़ को कि उसने उससे एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरा एग्ज़ाम है कल लेकिन सोलोंग जाने मानने सोलोंग पार्टी करने मानने बोला. तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा अगर सोलोंग पार्टी आकर जाओगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सोलोंग मिस कर देते हो पढ़ाई करते हो तो कल को तुम स्पेशल गेस्ट या चीफ गेस्ट बनकर आओगे. तो लास्ट ईयर सबको मालूम होगा किसी को मालूम नहीं होता होगा मेंस जो रहता है वो सेप्टेम्बर 15 या 20 ऐसे को रहता है हमेशा. तो सेप्टेम्बर 1 को तो यहाँ सोलोंग होता है मेगा सोलोंग होता है. तो मेरे दोस्तों में भी मुझे बुलाया बोला कि चलो सोलोंग बनाते हैं पेशेंस देखते हैं मुइस लूने देखते हैं. मगर मैंने बोला कि सर ने बोला था अगर मैं उसको स्किप कर देता हूँ तो कल मैं जाके उस वही सोलोंग का चीफ गेस्ट भी बन सकता हूँ. तो ये प्रूव है कि मैं उसका बन गया हूँ आज. सो एवरीबॉडी शुड बी मोटिवेटेड ऑन दैट थिंग, इसीलिए उसको लेके आया था. फिर दूसरा चीज जेएनबी में मैंने नोटिस किया है कि क्लास 10 में टॉपर 91 समथिंग था. तो मेरे जूनियर्स को मैं बोलूँगा कि मोटिवेटेड रहने के लिए मेरा परसेंटेज 94 था क्लास 10 में, तो काइंडली उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम. और क्लास 12 में किसी ने शायद 94.6 अचीव किया है तो आई थिंक अभी तो अनाउंस होगा बाद में. तो मेरा भी 94.6% ही था, मैं जेएनबी एक्चुअली में था. फिर और एक चीज़ मोटिवेटेड रहने के लिए बोल देता हूँ कि मेरा बायोलॉजी में 100 था स्कोर जो क्लास 12 में. तो आप इसका एक रीज़न भी बताता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जेन भी याचुली में जब हम रहते थे वहाँ पे एक फिजिक्स का दो बुक होता है पार्ट वन यूनिट वन और यूनिट टू दो बुक रहता है. सेकेंड बुक का कुछ चैप्टर्स तक सर ने नहीं पढ़ाया था क्लास 12 में. तो मैंने लकीली मेरा एक दोस्त ने ट्यूशन किया था प्राइवेट ट्यूशन, उनके नोट्स लेके मैं खुद लिख के वहाँ जाके फिर जाके एग्जाम लिखने बैठा. तो उसमें मेरा एग्जाम बैठा तो 95 स्कोर किया फिजिक्स में भी जब सेल्फ स्टडी करके. और आप लोगों का बिलीफ नहीं होगा कि एक जैन भी एक्चुअली में वहाँ पे दो हॉस्टल से खाली रहता है तो दोनों हॉस्टल का एक हॉस्टल का ताला तोड़ के हमने वो इलीगल है लेकिन हमने ताला तोड़ के अंदर घुस के उसके बाथरूम में पढ़ाई करने के लिए हम जाते थे. क्योंकि रीजन बिंग क्योंकि डॉर्मेट्री में रहते हैं आप भी जैन भी में से बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके मालूम होगा डॉर्मेट्री जो ऐसा लंबा होता है लाइक बेड 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 रहता है तो आप पढ़ाई ही नहीं हो पाएगा डॉर्मेट्री में. तो मैं उससे जाके हम लोग दूसरे हॉस्टल के बाथरूम में जाके अपने आप को लॉक करके वहाँ बक्सा रख देता था फिर टेबल बना रहता था फिर वो मैट्रेस लगा के वहीं में पढ़ाई करते थे. तो उसके बावजूद भी 94.6 और 100 स्कोर किया. तो आप लोग भी उस चीज़ के मोटिवेटेड रहने के लिए इसलिए बता रहा हूँ. मैं खुद जेएनबी से वही 7 साल पढ़ाई किया 2005 से 2012 तक. फिर मैंने एमबीबीएस किया 2012 से 2018 में. फिर 18 से 22 में फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव कोविड में मैं डॉक्टर रहा था. फिर लास्ट ईयर 2022 को ये रहा लास्ट ईयर को मैं वो सीईओ मिला था सर्कल ऑफिसर. और इस साल मेरा लकी लेना मुझे यूपीएससी में अभी मेरा सिलेक्शन हो गया. तो इसका एक बात ये बताना चाहूँगा कि मेरा 2018 में एमओ में मेडिकल ऑफिसर मिला फिर 22 में मुझे सर्कल ऑफिसर मिला फिर 23 में ये यूपीएससी. इसका इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये फ्लो में रहना चाहिए. जो एस्पायरेंस है जो खत्म कर चुका है जो ग्रेजुएट कर चुका है वो फ्लो में रहो. फ्लो में इस बात के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर बन गया. डॉक्टर बनने के बाद मुझे लगा कि मैं एलिट सर्विसेज है सिविल सर्विस तो हर कोई चाहता है डीसी बने बाद में सेक्रेटरी बने. तो मैंने कोशिश किया तो मेरा वो फ्लो बना रहा. मैंने यूपीएससी भी दिया था 2019 को मेरा मेंस हुआ इंटरव्यू हुआ बाद में इंटरव्यू में 14 मार्क्स से छूट गया मेरा हुआ नहीं. तो फिर भी लेकिन सिंस मैंने वो फ्लो में यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर चुका था तो मेरा दूसरा
एपीसीएस का भी 2020 को एडवर्टाइजमेंट आ गया था, तो मैंने उसको भी फिल किया, तो वो एग्जाम हो गया मेरा। फिर वही फ्लो में जाते जाते यूपीएससी का भी आ गया, फिर यूपीएससी का भी दिया, तो ये मिल गया सिलेक्शन। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा जब स्पेनिश पढ़ाई करते हैं तो फ्लो में पढ़ाई कीजिए। अगर एग्जाम जैसे कि अभी तो इसके कारण एपीपीएससी कमीशन ना होने के कारण एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल अगर कंडक्ट होता है तो आप एपीसीएस दे रहे हो, सेलेक्ट नहीं हुआ है तो इंस्पेक्टर का निकलता है, एसआई का निकलता है, वही दूसरा एग्जाम कोशिश करो, फिर दूसरा निकलता है, एपीएसएसबी का निकलता है, यूडीसी एलडीसी उसका निकलता है, फॉरेस्टर्स का निकलता है। तो वही फ्लो में हमेशा रहना चाहिए। और एक मोटिवेशन के लिए ये बोल लेता हूँ जो एस्पायरेंट्स है, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल 2 लाख रुपीज देते हैं, हाँ 2 लाख देते हैं, और मेंस क्लियर करेगा तो आपको 3 लाख देते हैं, तो टोटल 5 लाख। बाय द टाइम यू कंप्लीट योर इंटरव्यू यू गेट ए 5 लाख इन योर अकाउंट, सो दैट्स वेरी मोटिवेटिंग थिंग फॉर यू। अगर किसी को लगता है कि अरे मेरा तो कोचिंग के लिए 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा होता है अभी तो कोचिंग 10 महीना का दिल्ली में, बट वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल लकी लिए ना वो लोग 5 लाख देते हैं, 3 लाख मेंस क्लियर करने पर, प्रीलिम्स क्लियर करने पर 2 लाख देते हैं, और जो उसको स्टाइपेंड फॉर्म जो है वो डायरेक्टर है तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में मिल जाता है, वहाँ अप्लाई करना होता है। ये मोटिवेशन के लिए बोल दे रहा हूँ। और फिर जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मेंस क्लियर हो जाते हैं यूपीएससी में, तो दिल्ली में फ्री मॉक्स होते हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं था, इवन मुझे भी मालूम नहीं था, जो मॉक्स रहते हैं जो वीडियोस आप लोग देखते होंगे, नेक्स्ट आईएएस, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस का, वो सब मॉक्स फ्री रहते हैं। तो ये मत सोचना कि यार मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, जो बेसिकली देख रहे हो ना, अगर आप कोचिंग कर लिया 1 लाख का रह गया, तब भी गवर्नमेंट आपको 2 लाख दे दिया, फिर आप दिल्ली में जाके कोचिंग मॉक के लिए भी इवन फ्री में वो कर देते हैं, वो दिल्ली में जो भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है वो फ्री में मॉक्स देते हैं। ओके, और एक है ये सीसेट, GS2 जो रहता है यूपीएससी और एपीसीएस एस्पायरेंट के लिए बता रहा हूँ, स्पेशली यूपीएससी का, मैंने 2019 से शुरू किया है पढ़ाई यूपीएससी का, तो जो GS2 रहता है वो सीसेट रहता है। सीसेट में लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो मैथ्स है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, बट बहुत लाइक इट्स गेटिंग टफर, वही बोलना चाहूँगा, वो टफ होते जा रहा है एक से एक। मैंने 19 से कोशिश की, मेरा 19 में सीसेट क्लियर हुआ, 20 में क्लियर ही नहीं हुआ, और 20 में भी क्लियर हुआ, बट 21 में मेरा सीसेट क्लियर नहीं होने के कारण मेरा प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हुआ, GS1 क्लियर होने के बावजूद, बट 22 में फिर मैंने बाई बाउंड्री 76 आके जेने तेने मेरा क्लियर हो पाया। तो सीसेट पे जरूर ध्यान दीजिए, मत सोचना कि सिर्फ जनरल स्टडीज ही जनरल स्टडीज करेंगे, सीसेट पे जरूर ध्यान दीजिए अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो। ओके, और एक चीज़, हाँ ये लास्ट होगा, मैं जल्दी वाइन अप करने की कोशिश करूँगा, ये लास्ट चीज़ है, इसको मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोस्ती को थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं 4 साल डॉक्टर रहा, मेरे मेरे घर के सामने 2 किलोमीटर पे मेरा पोस्टिंग प्लेस था, पीएचसी बोरगुली में मैं काम कर रहा था, तो उस 4 साल में मैंने एक नया दोस्त नहीं बनाया, लिटरली जीरो दोस्त। फिर मैं एक 1.5 ईयर से यिंकियोंग पे सर्कल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने एक भी नया दोस्त नहीं बनाया, वो कलीग्स तो रहते ही है, पहचान तो है, लेकिन एक भी दोस्त नहीं बनाया। उसका रीज़न ये है, अगर आप दोस्त रहेगा ना, वापस आएगा तो आपको सीधा कॉल करेंगे, अरे आ जाओ चलो यहाँ पर पार्टी कर लेंगे, या फिर खेलने आ जाए, लूडो खेलते हैं, आ जाओ इधर उधर, तो आपका समय ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपका, मैं तो वापस ड्यूटी करके 5 बजे वापस जाता था, तो कोई कोई बुलाता नहीं था, तो मैं पढ़ने ही बैठ जाता था या कभी दिन सीरीज देख लेता था। तो जब पढ़ाई करते हैं तो लोगों को लगता है कि 24x7 पढ़ाई करता होगा टॉपर्स, पर ऐसा नहीं है, यू ब्रेक लेना ही है। मैं लिटरली लाइक मैं कभी 7 दिन नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं एटलीस्ट 3 या 4 डेज पढ़ता हूँ, पर 3 दिन सीरीज देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ। तो मैं यही बोलूंगा कि आप मत सोचिए, कभी कभी लगता है कि अरे दूसरा लोग तो इतना पढ़ाई कर रहा होगा अभी, तो हम तो ऐसे बैठ रहे बल्कि, बट वो बॉडी के कोपिंग मैकेनिज्म है, आप सोशल मीडिया कर लो या कुछ कर लो, आप ब्रेक ले लीजिए, पढ़ाई में भी ब्रेक लीजिए, लेते हैं हर कोई लेता है, इवन टीना दावे का मैंने टॉपर टॉप देखा, उन्होंने भी लिया है, सब लेते हैं, तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। ओके और ओके, एक चीज छूट गया, तो मैं मम्मी पापा लोगों को, ये बच्चों लोग के लिए स्पेशली, मम्मी पापा को तब क्या बताऊंगा, तो ये कि मेरे मम्मी जो बहुत लाइक कॉर्डियल है, बहुत अच्छे है, लाइक मैं उससे कुछ भी बोल सकता हूँ, बट पापा बड़े स्ट्रिक्ट है, लाइक इतने स्ट्रिक्ट है कि मैं बहुत डरता था बचपन में, बट अभी जब बड़ा हुआ तो रियलाइज किया कि वो स्ट्रिक्टनेस सही था। तो मैं ही दरख्वास्त करूंगा बच्चों से कि अगर आपका मम्मी पापा कोई स्ट्रिक्ट है तो ये मत सोचा कि अरे यार इसकी स्ट्रिक्ट है, बाद में आप रियलाइज करोगे कि अरे उसकी स्ट्रिक्टनेस बहुत सही चीज़ था, क्योंकि उसने मुझे इनडिसिप्लिन में जाने नहीं दिया, मैं वही वही ड्रग्स वगैरह वहाँ नहीं जा पाया, तो नहीं गया क्योंकि स्ट्रिक्टनेस का कारण है, वन ऑफ द रीजन। सो वो
वही बोलूंगा कि बच्चों से कि स्ट्रिक्ट होगा तो भी मम्मी पापा को कहो मत, वो सोचो कि हाँ ये स्ट्रिक्टनेस बाद में लोगों को रियलाइज भी होगा, बाद में ही रियलाइज होगा। उससे मैं मेरा मोटिवेशन स्पीकर स्पीच खत्म करता हूँ। थैंक यू।